लुधियाना लाइव देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं किरण प्रीत ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही दे विच फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन नू पद्मश्री दे नाल सम्मानित किया है। हुण रवीना टंडन की इस संबंधी एक इंटरव्यू है जिहड़ी सोशल मीडिया से लगातार वायरल हो रही है। रवीना टंडन नू भारतीय सिनेमा दे विच उन्हां दे योगदान लई पद्मश्री नाल सम्मानित किया गया। यह प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन दे विच होया। इस मौके पर बोलदिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदाकारा नूं दस्सिया कि उन्होंने उन्हां दीआं सारीआं फिल्मां वेखियां ने। रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू दौरान इस गल का खुलासा किया। इस दे नाल ही उन्होंने गलबात करदिया दस्सिया, रवीना टंडन ने कहा कि यह बहुत ही खूबसूरत सी। राष्ट्रपति जी ने मैनू दस्सिया कि उन्होंने मेरिया सारिया फिल्मां वेखियां ने। जदों ही उन्होंने अजिहा किया तो मैनू बहुत ही ज़्यादा माण महसूस होया। उन्होंने ये भी कहा कि वह मैनू अवार्ड दे के बहुत माण महसूस कर रहे हैं। जदों रवीना टंडन यह अवार्ड है जिहड़ा दिता गया तो उन्होंने पति अनिल, बेटी राशा ते बेटा रणवीर भी इस मौके पर उन्होंने नाल मौजूद सन। उसने अपने परिवार बारे कहा, जदों मैं उन्होंने मेरे वाल मुस्कुराते वेख्या तो वह पल मेरे दिमाग दे विच हमेशा लई छप गया। मैनू यह पसंद है जदों मेरे परिवार को मेरिया प्राप्तियां ते माण होवे। फिल्मां दे विच काम करन तो इलावा रवीना टंडन एक NGO भी चलाउंदी है अते अपने प्रोग्राम दे बारे दसदिया है। उन्होंने कहा कि मेरी संस्था ने करोना दे समय दे विच दिल्ली विच मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर दिते। मैं लाइमलाइट लई अजिहा नहीं करदी। मेरी संस्था पुलवामा दे विच शहीद होए जवानों की पढ़ाई लई भी खर्च करदी है। उन्होंने कहा, मैं एक लौती अभिनेत्री हाँ जिसनू G20 दे विच फिल्म उद्योग की नुमाइंदगी करन दे लई चुनिया गया। होर अपडेट्स लैके रूबरू होवांगे। वेखते रहो लुधियाना लाइव।